तो फाइनली आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ वापस से मिक्स एक्सपेरिमेंट। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आज मेरे पास एक खाली ग्लास है और यहाँ पर है मेरे पास मिल्क और एक इनो भी है और यहाँ पर है इस गिलास के अंदर पेट्रोल। तो इन चीजों को मिक्स करने के बाद किस तरीके का रिएक्शन होता है वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इन चीजों को मिक्स करने के बाद किस तरीके का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ये रही खाली ग्लास। सबसे पहले हम डाल देंगे इस मिल्क को। तो इस मिल्क को सारे को हम इस ग्लास के अंदर खाली करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, देखते हैं क्या डालते हैं, पेट्रोल डालेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूंगा मिल्क। तो इसको ओपन करते हैं। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं इस दूध को। तो यहां पर मैंने इसके अंदर सारा दूध जो है वो डाल दिया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पेट्रोल। तो ये रहा हमारा मिल्क और ये रहा हमारा पेट्रोल। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर पेट्रोल डाला ना, तो पेट्रोल कहां पर है और दूध कहां पर है। देखो पेट्रोल जो है ऊपर आ चुका है और हमारा मिल्क जो है वो नीचे रह चुका है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे इनो को और उसके बाद देखेंगे इसका रिएक्शन। तो अब हम इस मिल्क को जो है ना इसके अंदर मिक्स करते हैं थोड़ा सा। तो देखो दूध और पेट्रोल का कोई भी मेल नहीं हो रहा, ना तो ये मिक्स हो रहा है ना आपस में जुड़ रहा है, मिक्स भी नहीं हो रहा इसके अंदर हमारा पेट्रोल। पेट्रोल वापस से ऊपर आ चुका है, मैंने मिक्स किया था बट वापस से पेट्रोल जो हमारा ऊपर आ चुका है कुछ इस तरीके से। देखो पेट्रोल और दूध जो है ना आपस के अंदर मिक्स नहीं हो रहे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी इनो को और उसके बाद देखेंगे कि तीनों का किस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है या फिर इसके अंदर कोई रिएक्शन हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं देखने को मिलता है। तो चलिए जल्दी से हम इसके अंदर इस इनो को डाल देते हैं और उसके बाद इसका रिएक्शन चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने इनो को खोल लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल देता हूं सीधे ही इनो को। 1 2 3 गाइस देखो। अब पता नहीं ये रिएक्शन पेट्रोल का है या फिर दूध का है, लेकिन आ रहा हमारे हमारे मिक्स कॉम्बो बनते ही हमारे रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहां पर आप देखो, यहां पर देखो हमारा पेट्रोल हमें अभी भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है। यहां पर देखो पीला पीला हमारा पेट्रोल जो है ना हमें इसके अंदर से अभी भी दिखाई दे रहा है। कुछ समझे गाइस, पेट्रोल इसके अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहा, पेट्रोल अभी भी हमारा जो है ना इस जगह पर अटका हुआ है। जो हमने इनो डाली थी ना वो दूध के अंदर गई और दूध के अंदर से इसने झाग निकाला और ऊपर से निकाल दिया, बट पेट्रोल अभी भी अपनी जगह पर है। पेट्रोल ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी, पेट्रोल अभी भी यहीं पर है आप देख सकते हो। तो चलो थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं उसके बाद देखते हैं। देख सकते हो अभी भी हमारा पेट्रोल जो है ना वो यहीं पर है, पेट्रोल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ना इसके अंदर मिक्स हो रहा है ना अपनी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वो अपनी पोजीशन यहीं पे बना के रख रखी है उसने। मिल्क जो है वो नीचे की तरफ है और हमारी इनो जो हमने डाली थी वो अंदर गई और सीधे ही मिल्क के अंदर गई, मिल्क के अंदर उसने रिएक्शन किया और झाग बन के बाहर निकल गई, बट पेट्रोल अभी भी अपनी पोजीशन पर है। तो ये होता है, एक चीज और ट्राई करते हैं इसके साथ में। तो यहां पर मेरे पास एक चिक शैम्पू है, मैं इस शैम्पू को भी जो है इसके अंदर डालता हूं और देखते हैं कि इसके साथ कोई रिएक्शन होता है या फिर नहीं होता है। तो यहां पर मैं सीधे ही डाल देता हूं इसके अंदर गया। अब देखते हैं कि ये इसके अंदर कोई रिएक्शन करता है या फिर नहीं करता है। देखो शैम्पू भी हमारा जो है ना मिल्क के अंदर जा चुका है, देख सकते हो। मुझे पेट्रोल को जो है ना इसके अंदर मिक्स करना है, वही है मेरा मैन टारगेट। पेट्रोल मिक्स हो जा, बट पेट्रोल मिक्स नहीं हो रहा, पेट्रोल जो है ना अपनी पोजीशन ऊपर ही बना रहा है। नहीं मिक्स हो गया, पक्का इस बार मिक्स हो गया। थोड़ा सा और मिक्स करता हूँ, रुक जाओ। ये देखो पेट्रोल हमारा इस बार पूरा का पूरा गायब हो चुका है, देख सकते हो पूरी ग्लास के अंदर आपको पेट्रोल कहीं पर भी नहीं दिखेगा। जैसे मैंने शैम्पू डाला ना, तो पेट्रोल पूरा का पूरा इसके अंदर मिक्स हो गया या फिर गायब हो गया या फिर उड़ गया पता नहीं, बट इसके अंदर पेट्रोल नहीं है, अभी पेट्रोल नहीं है इसके अंदर, देख सकते हो। यहाँ पर पूरा ही जो मिल्क और शैम्पू का झाग बन चुका है,
जो कि पेट्रोल हमारा पूरा ही खत्म हो चुका है। मैंने इतनी देर इसको हिलाया ना, तब तो नहीं था, लेकिन अब देखो धीरे धीरे वापस आता जा रहा है। कुछ इस तरीके का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जब हम शैम्पू इनो और पेट्रोल को मिक्स करते हैं ना, मिक्स एक्सपेरिमेंट हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।